अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सैफुर रहमान। और बेटा आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक टॉपिक पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है बेटा, तो आइए टॉपिक की तरफ चलते हैं। जी टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रिक पावर एंड पावर डिसिपेशन। जी बेटा, आप लोग जानते हैं कि जब किसी रजिस्टर में से करंट गुजर रहा हो तो वहाँ पर पावर डिसिपेशन हो रही होती है। लेट अस सपोज दैट कि हमारे पास ये एक रेजिस्टर है, इसकी रेजिस्टेंस है R, इसको हम एक बैटरी के साथ अटैच कर देते हैं। और बेटा बैटरी का जो वोल्टेज है वो हमने V ले लिया है, तो आप जानते हैं कि अब इसमें से I करंट जो है वो गुजर रहा होगा रजिस्टर में से। और जब रजिस्टर में से करंट गुजरता है तो वहाँ पे पावर डिसिपेशन होती है। ठीक है, आप जानते हैं कि पावर का जो फार्मूला है वो है आपके पास वर्क ओवर टाइम का। और वोल्टेज के लिए हम क्या लिखते हैं, वोल्टेज के लिए हम लिखते हैं वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क पर यूनिट चार्ज। ठीक है बेटा, यहाँ से आप लिख सकते हैं डब्ल्यू इज इक्वल टू V इंटू क्यू। ठीक है, तो अगर हम ये वैल्यू ऊपर वाली इक्वेशन में लिखें तो हमारे पास फार्मूला बनता है P इज इक्वल टू V इंटू क्यू ओवर T। और Q ओवर T क्या है बेटा, ये करंट बन जाएगा, तो V इंटू I हमारे पास जो है वो पावर का फार्मूला है। बेटा आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि पावर के कुछ और फार्मूलाज भी हमारे पास, जैसे कि एक तो ये है V I, दूसरा हमारे पास है I स्क्वेयर R, और फिर हमारे पास V स्क्वेयर ओवर R। बेटा आपने याद रखना है कि जो आपके पास I स्क्वेयर R फार्मूला है पावर का, ये आपने सीरीज़ में यूज़ करना है जब रेजिस्टर जो है वो सीरीज़ में लगी हुई हो। और ये फार्मूला आपने यूज़ करना है पैरेलल के लिए, और कम्प्लेक्स के लिए आप P इक्वल टू वी आई यूज़ करेंगे। ठीक है बेटा, इसके अलावा हमने जो है वो कुछ चीज़ें नोट करनी है यहाँ पे, जिनको हमने आगे जाके अप्लाई करना है। सबसे पहले तो आप ये नोट कर लें कि अगर हमारे पास कुछ जो है वो बल्ब्स वगैरह जिनकी पावर मेंशन होती है, अगर उनको हम सीरीज़ में लगा दें तो पावर डिसिपेशन जो है वो हम कैसे निकालते हैं, इक्विवेलेंट पावर डिसिपेशन निकाल लेंगे। वन ओवर पी इज इक्वल टू वन ओवर पी वन प्लस वन ओवर पी टू प्लस वन ओवर पी थ्री एंड सो ऑन। सीरीज में इक्विवेलेंट पावर कैलकुलेट करने का ये हमारे पास फार्मूला है, सीरीज के लिए है बेटा ये। ठीक है, अगर दो किसी दो बल्ब्स की बात की जाए तो उनकी पावर इक्विवेलेंट आप सीरीज में कैसे निकालेंगे, वन ओवर पी वन प्लस वन ओवर पी टू, इसको आप प्रोडक्ट ओवर सम से निकालेंगे। जब आपने P इक्विवेलेंट निकालनी हो तो आप इसको प्रोडक्ट ओवर सम से कैसे निकालेंगे, आप लिखेंगे P इक्विवेलेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ओवर सम। ठीक है, ये आपको हमने जो बात की है सीरीज के लिए की है। पैरेलल भी बेटा आप पावर जो है वो इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, P इक्विवेलेंट आपके पास होगा P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन अप टू Pn आप लिख सकते हैं। और दो के लिए क्या लिखेंगे जी, दो के लिए सिंपल P1 प्लस P2, ये सीरीज की बजाय ये किसके लिए है, पैरेलल के लिए, ऊपर वाले सीरीज के लिए और नीचे वाले पैरेलल के लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, आपने नोट कर लेनी है, सीरीज में पावर डिसिपेशन और पावर रेटिंग का मैं आपको जो है वो रिलेशन बता रहा हूँ और पैरेलल में भी बता रहा हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ पावर डिसिपेशन क्या होती है और पावर रेटिंग क्या होती है। तो पावर डिसिपेशन बेटा आपके पास है जब आप सर्किट में किसी चीज़ को लगाते हैं तो वो जो पावर कंज्यूम कर रही होती है उसको पावर डिसिपेशन कहते हैं, यानी पावर कंज्यूम्ड बाय द कंपोनेंट।
और पावर रेटिंग जो है उसको मैं पी आर से लिख रहा हूँ। ये जब आप बाज़ार से कोई डिवाइस ख़रीदते हैं तो उसके ऊपर रेटेड वोल्टेज और रेटिंग पावर लिखी होती है। आप कोई चीज़ ख़रीद के लाए उसके डब्बे के ऊपर लिखा होगा जी 100 वाट 220 वोल्ट, तो ये जो आपके पास 100 वाट लिखा हुआ है ये रेटिंग पावर है, और ये आपके पास जो 220 वोल्ट लिखा हुआ है ये रेटिंग वोल्टेज है। वो आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि आप 220 वोल्ट पे इसको यूज़ करें। अब हमारे पास जो पावर कंजम्पशन का फार्मूला है, ठीक है, सीरीज़ के लिए हम इसे अलग से अंडरस्टैंड करेंगे और पैरेलल के लिए अलग से। तो सीरीज़ में आपने एक नोट माइंड में रख लेना है, सीरीज़ में जो पावर डेसिपेशन होती है यानी पावर कंजम्पशन या पावर डेसिपेशन एक ही बात है, ये सीरीज़ में रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी आपके पास 3-4 कंपोनेंट आपने लगा दिए हैं, तो जिस कंपोनेंट की रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी वो पावर डेसिपेशन ज़्यादा करवाएगा। और सीरीज़ में जो पावर डेसिपेशन है वो पावर रेटिंग के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। यानी जिस कंपोनेंट के ऊपर ज़्यादा पावर मेंशन होगी वो एक्चुअली कम पावर डेसिपेट करवाएगा सीरीज़ में। ये आपने शॉर्ट फार्मूला याद रखना है। पैरेलल के लिए बेटा बात करें अगर, तो पैरेलल में पावर डेसिपेशन जो है ये रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। अगर 3-4 कंपोनेंट आपने लगा दिए हैं पैरेलल में तो जिसकी रेजिस्टेंस सबसे कम है वो सबसे ज़्यादा पावर डिसिपेट करवाएगा, लेकिन पावर रेटिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जिस कंपोनेंट की पावर रेटिंग ज़्यादा लिखी हुई है पैरेलल में वही ज़्यादा पावर डिसिपेट करवाएगा। तो ये आपने जो है ना वो शॉर्ट फार्मूलाज नोट कर लेने हैं, ठीक है। ये मैंने एक आपको समरी दी है, ठीक है, इसकी बेस पे अब हम आगे काम करेंगे, तो इसे नोट कर लें आप। जी जी कर लें, नोट कर लें बेटा। अब हम बात करेंगे कि कोई बैटरी जो है वो मैक्सिमम पावर डेसिपेशन कब करती है, या किसी सर्किट में मैक्सिमम पावर डेसिपेशन कब होती है। तो उसके लिए याद रख लें, जब बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो सर्किट की एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर हो तो मैक्सिमम पावर डेसिपेशन होती है। ये मैक्सिमम पावर डेसिपेशन की आप कह लें कि कंडीशन है, जब इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो इक्वल हो जाए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के तो तब क्या होगा, मैक्सिमम पावर डेसिपेशन होगी। और इंटरनल रेजिस्टेंस जितनी पावर डेसिपेट करवाएगा उतनी ही एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस पावर डेसिपेशन हो रही होगी, वोल्टेज ड्रॉप भी दोनों के अक्रॉस सेम आ जाएगा। ये कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने ये याद रखनी है, ठीक है। सो एक ये फार्मूला आप माइंड में रख लें, दूसरा ये रख लें, तीसरा आप ये कंडीशन माइंड में रख लें, ये और ये 5 चीज़ें आप माइंड में रख लें। कोई भी प्रॉब्लम ऐसा नहीं है जो आपसे ना हो। आइए अब कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। द टोटल पावर डिसिपेटेड इन वाट इन द सर्किट शोन हेयर इज, जी बेटा ये आपको एक सर्किट दिखाया गया है, इस सर्किट की आपने टोटल पावर डिसिपेशन निकालनी है। 18 वोल्ट की बैटरी लगाई है, 3 रेजिस्टर्स हैं, ये दो आपस में पैरेलल में लगी हुई हैं और ये दोनों इसके साथ सीरीज में हैं। तो आप पहले आर इक्विवेलेंट निकाल लें, आर इक्विवेलेंट निकाल लें आप सर्किट की। तो ये दोनों आपको पता है कि पैरेलल में लगी हुई हैं, पैरेलल में इन दोनों की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगी, जी पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इनकी कैसे निकलेगी, प्रोडक्ट ओवर सम से निकलती है। रेजिस्टर्स के टॉपिक में ये चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं। तो जी प्रोडक्ट ओवर सम करें, 18/90 आ गया 2 ओम, ये इन दोनों की इक्विवेलेंट आई है अभी, ठीक है। अब ये जो 6 और 3 ओम की रेजिस्टेंस हैं ये 4 ओम की रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में लगी है, सीरीज में लगी हुई है उसके साथ, आपस में ये पैरेलल में थी ना, ठीक है। तो ये हमने निकाल ली 3 और 6 वाले की इक्विवेलेंट। अब हम टोटल इक्विवेलेंट निकालते हैं तो वो क्या आएगी, 4+2 आ गई 6 ओम।
तो पूरे सर्किट की जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितनी आ गई, 6 ओम। अब आप करंट निकाल लीजिए, करंट कितने हैं जी, आपके पास फार्मूला V इज इक्वल टू आई आर, आई क्या आ जाएगा, V ओवर R, V कितना बेटा 18, R कितना 6, तो 3 एम्पीयर करंट जो है वो इसमें से गुजर रहा है। अब आपने पूरे सर्किट की पावर डिसिपेशन निकालनी है, तो पावर डिसिपेशन आप निकाल लें, आपके पास फार्मूला आई स्क्वेयर आर, तो वो क्या आ जाएगा आपके पास जी, 3 स्क्वेयर इंटू 6, ये आपके पास आ जाएगा 9 इंटू 6, 54 वाट जो है वो पावर डिसिपेशन हो रही है। बीटा ऑप्शन आएगा बेटा आपके पास। जी बच्चों, बड़ा ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन, बगैर सॉल्व किए आप आंसर दे सकते हैं। अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम, कितनी इंटरनल रेजिस्टेंस है इसकी 0.5 ओम, इज कनेक्टेड अक्रॉस अ वेरिएबल रेजिस्टर आर, इसको आपने एक वेरिएबल रेजिस्टर के अक्रॉस लगा दिया है। द वैल्यू ऑफ आर फॉर विच द पावर डिलीवर्ड इन इट इज मैक्सिमम, मैक्सिमम पावर डिलीवर कब होगी उसके लिए आर की वैल्यू बता दें। तो बेटा मैंने आपको बताया था मैक्सिमम पावर डिसिपेशन के लिए क्या हमारे पास असूल है जी, कि इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो बराबर होनी चाहिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के। तो इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है 5 ओम, तो जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू आप 0.5 ओम लिखा हुआ है, इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है 0.5 ओम, तो जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू 0.5 ओम हो जाएगी तो पावर जो डिलीवर्ड हो रही होगी वो मैक्सिमम होगी, तो आपके पास आंसर है अल्फा। यस, एन इलेक्ट्रिक केटल टेक्स 4 एम्पीयर करंट एट 220 वोल्ट, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू बॉयल 1 किलोग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम टेम्परेचर 20 सेंटीग्रेड टू द टेम्परेचर ऑफ 100 सेंटीग्रेड। जी देखिए, यहाँ पे आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं, हीट लॉस्ट बाय इलेक्ट्रिक केटल इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय वाटर। जी हीट का फार्मूला आपको पता है ना, पावर। जी बेटा, तो ये हमारे पास हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाया, हीट लॉस बाय केटल इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय वाटर। बेटा आप जानते हैं कि पावर जो है वो बराबर होती है एनर्जी ओवर टाइम यानी वर्क ओवर टाइम, तो यहाँ से जो एनर्जी है वो बराबर आ जाएगी पावर इनटू टाइम। पावर का आपने फार्मूला क्या पढ़ा होगा बेटा, आई वी, ठीक है, वो यहाँ पे पुट कर दें इनटू टी पुट कर दें, यानी हीट लॉस बाय द केटल क्या आ जाएगा, आई वी टी। हीट गेन्ड बाय द वाटर बेटा ये आपके पास सी एम डेल्टा टी होता है, सी स्पेसिफिक हीट है, एम मास है और डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस है। तो बेटा वैल्यूज पुट करें, करंट की वैल्यू कितनी है 4 एम्पीयर, वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट, टाइम हमने फाइंड करना है। जी ये आपको याद होनी चाहिए, 4200 वैल्यू होती है जी इसकी, मास आपको 1 किलोग्राम दिया गया है और टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, 120 में टेम्परेचर डिफरेंस 80 का बनेगा, ठीक है जी। यहाँ से आप कैंसिलेशंस कर लें,
लेट्स सपोज ये आपके पास जो है वो ये वैल्यू सेट करने के बाद अब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। लेट्स सपोज ये ज़ीरो इस ज़ीरो के साथ कैंसिल हुआ, फोर को इस एट के साथ करें तो इधर आ गया टू, टू को 22 के साथ करें तो इधर आ गया 11। तो ये आपके पास आ गया 11t इज इक्वल टू 4200 और टी क्या आ जाएगा 4200 ओवर 11 जी। कैलकुलेशन देख लें जी, आपने 4 को 8 के साथ कैंसिल किया तो यहाँ पे 2 आ गया, 0 को 0 के साथ कर दिया था, इस 2 के साथ इस 22 को किया तो यहाँ पे 11 आ गया और बाकी चीज़ें एज इट इज़ ठीक है जी। आपकी कैलकुलेशन 11t इज इक्वल टू 4200 और टी इज इक्वल टू 4200 ओवर 11। बेटा आंसर मिनट में हम जो है वो कैलकुलेशन सेकंड में कर रहे हैं तो 60 पे डिवाइड भी करेंगे इसको, ठीक है। तो ये 0 0 के साथ कैंसिल हुआ, इसकी कैलकुलेशन इसके साथ करें तो ऊपर 70 आ गया, नीचे 11, तो ये 6.3 आंसर ही आ रहा है, आप देख लें कैलकुलेट करके। ओके बच्चों, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। A 100 वाट एंड 220 वोल्ट बल्ब, ये रेटेड पावर दी हुई है और रेटेड वोल्टेज दिया, रेटिंग मैंने आपको बताया था ना जो डब्बे के ऊपर लिखी होती है। तो आप बल्ब लेके आए हैं, बल्ब पे उसने लिखा हुआ है कि ये 100 वाट का और 200 वोल्ट पे आपने इसको ऑपरेट करना है, तो ये रेटिंग पावर है, रेटिंग वोल्टेज है। अब बल्ब ऑफ 100 वाट एंड 200 वोल्ट इज कनेक्टेड टू अ 160 वोल्ट सप्लाई, ये आपका अप्लाइड वोल्टेज है जो आप उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, सजेस्टेड ये है जो कंपनी ने सजेस्ट किया था, ये रेटेड वोल्टेज है, ये अप्लाइड वोल्टेज है, 160 अप्लाइड है और 200 क्या था उसका रेटेड वोल्टेज था कि इस पे आप चलाएं। द पावर कंजम्पशन वुड बी, पावर कंजम्पशन आप लोगों ने बतानी है। पावर कंजम्पशन का फार्मूला होता है हमारे पास वी स्केयर ओवर आर इज इक्वल टू पी। सो अगर हम आर को इधर ले जाएं तो ये आपके पास आ जाएगा वी स्केयर ओवर पी, वी स्केयर ओवर पी। देखिए बेटा, आपका जो बल्ब है उसके ऊपर सजेस्टेड वोल्टेज 200 है, आप ऑपरेट उसे कर रहे हैं 160 पे, ठीक है। तो आप वोल्टेज वो नहीं दे रहे जो उसका सजेस्टेड है, ठीक है, लेकिन बल्ब तो वही है ना, तो उसकी जो रेजिस्टेंस है वो तो नहीं चेंज होने लगी, वो तो वही रहनी है जिसका वो बना हुआ है, जिस रेजिस्टेंस पे वो बना हुआ है। तो आप कह लें कि जी इस सजेस्टेड के मुताबिक आप उसको चलाएं या आप उसको अपनी मर्जी के वोल्टेज पे चलाएं, उसकी रेजिस्टेंस वही रहनी है। तो आप कह रहे हैं जी R1 जो है वो बराबर है R2 के, R1 की जगह पे आप क्या लिखें जी, ये वाली वैल्यूज लगा दें वी स्केयर ओवर पी इज इक्वल टू वी स्केयर ओवर पी, ये आपकी रेटेड वोल्टेज और रेटेड पावर आ गई, ये आपका अप्लाइड वोल्टेज आ गया, ठीक है, और ये उसकी पावर कंजम्पशन बन जाएगी जी। यहाँ पे आप वैल्यू सेट करें, वी आर कितना दिया हुआ है जी 200 इंटू 200 लिख दें, दो बार स्केयर लिया हुआ है ना, कैलकुलेशन में हमेशा आसानी हो जाए। नीचे क्या जी 100 है, इधर 160 इंटू 160 लिख दें नीचे, पावर आपने फाइंड करनी है। देखें ये दो जीरो जो हैं ये इन दो जीरोस के साथ कैंसिल हो गए, ये जीरो इसके साथ, ये जीरो इसके साथ कैंसिल हुआ, ठीक है, ओके। अब आप देखें कि ये टू के साथ इसको कैंसिल करें तो क्या आ गया 8, इस टू के साथ इस 8 को करें तो क्या आ गया 4 इंटू 16 64। तो आपके पास पी को उठा के इधर ले जाएं, इधर क्या बन रहा है
64, तो 64 वाट जो है वो पावर कंजम्पशन हो रही होगी। ठीक है बच्चों, टू बल्ब्स आर 40 वाट एंड 200 वोल्ट एंड 100 वाट एंड 200 वोल्ट, द करेक्ट रिलेशन फॉर देयर रेजिस्टेंसेस। जी बच्चों, एक बल्ब आप खरीद के लाए थे, उसके डब्बे पे ये वैल्यूज लिखी हैं, उसकी पावर रेटिंग 40 है और रेटेड वोल्टेज 200 है। दूसरा बल्ब खरीद के लाए तो उसके ऊपर ये लिखा हुआ है कि उसकी पावर रेटिंग 100 वाट है और उसका जो रेटेड वोल्टेज है वो 200 वोल्ट है। तो इनकी रेजिस्टेंसेस में क्या रिलेशनशिप होगा? तो बेटा, पावर का फार्मूला आपके पास होता है वी स्केयर ओवर आर, ये ऑलवेज वैलिड होता है किसी भी डिवाइस की पावर कैलकुलेट करने के लिए। तो आप आर को इधर ले जाएं और देखो वी स्केयर ओवर पी, तो जिसकी पावर कम है उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, ठीक है, और जिसकी पावर ज़्यादा उसकी रेजिस्टेंस कम होगी। तो इस 40 की रेजिस्टेंस ज़्यादा आएगी, इसकी रेजिस्टेंस कम आएगी, तो आपके पास बीटा ऑप्शन आएगा। जी बेटा, नेक्स्ट हम चलते हैं। व्हेन थ्री आइडेंटिकल बल्ब्स, तीनों बल्ब्स आइडेंटिकल हैं जी, थ्री आइडेंटिकल बल्ब्स ऑफ 60 वाट एंड 200 वोल्ट। अब आपको याद हो गया होगा कि ये आपको रेटिंग पावर दी हुई है और ये आपको रेटिंग वोल्टेज दिया हुआ है, आगे आज लिख भी दिया है जी रेटिंग, अब लिख भी दिया है। व्हेन थ्री आइडेंटिकल बल्ब्स ऑफ 60 वाट एंड 200 वोल्ट रेटिंग आर कनेक्टेड इन सीरीज टू आर 200 वोल्ट सप्लाई, आपने कनेक्ट उसको किया 200 वोल्ट सप्लाई के साथ, ये आपका अप्लाइड वोल्टेज हो गया और ये रेटिंग वोल्टेज के बराबर ही आपने अप्लाई किया, ठीक हो गया। द पावर ड्रॉन बाय देम विल बी, तो वो कितनी पावर जो है कंज्यूम करेंगे, पावर डिसिपेशन, पावर ड्रॉन, ये सारे वर्ड सेम होते हैं, ये पूछा जा रहा है आपसे जी। अब हमें पता होना चाहिए सीरीज में है या पैरेलल में है, तो ये देखिए दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज में कैसे निकालते हैं सर? सीरीज में फार्मूला है 1/P इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस 1/P3। तो ये तीनों सेम है, तो 1/P प्लस 1/P प्लस 1/P हो जाएगा, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा 1/P इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3/P, ठीक है जी। तो पी इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा? पी इक्विवेलेंट आपके पास आ जाएगा P/3, तो यहाँ वैल्यू लगा दें 60/3, तो आपके पास 20 जो है वो आंसर आएगा, 20 वाट, ठीक है जी। ये आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, इक्वल पावर्स की अगर लगाई हो तो उनकी पावर इक्विवेलेंट का फार्मूला क्या होता है जी? P/N होता है, ठीक है। जी, 220 वोल्ट एंड 100 वाट बल्ब आर कनेक्टेड फर्स्ट इन सीरीज, दो बल्ब हैं आपके पास, ठीक है, उनकी रेटिंग वोल्टेज जो है वो 220 और रेटिंग पावर जो है वो 100 वाट है। दे आर कनेक्टेड फर्स्ट इन सीरीज, पहले उनको आपने सीरीज में लगाया एंड देन इन पैरेलल, बाद में आपने उनको पैरेलल में लगा दिया। ईच टाइम द कम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट एसी सप्लाई, आपने दोनों दफ़ा अप्लाइड वोल्टेज जो है वो 220 वोल्ट रखा, ठीक है। द पावर ड्रॉन बाय कम्बिनेशन इन ईच केस रिस्पेक्टिवली, पावर ड्रॉन जो है वो आपने पावर कंजम्पशन निकाली। याद रखें, जब यहाँ पे एक नोट लिख लें आप, बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट मेरे माइंड में आ गया और मैंने अप्लाई पहले क्वेश्चन पे ही कर दिया था, ठीक है ना। तो अभी जो है वो मैं आपको नोट करवाता हूँ। तो नोट ये आपको लिखवाना था कि बेटा, जब हमारी जो अप्लाइड वोल्टेज है ये बराबर होता है
रेटिंग वोल्टेज के, तो उस वक्त याद रखिएगा कि पावर डेसिपेशन जो है वो भी बराबर आती है रेटिंग पावर के, ठीक है। जब आपका अप्लाइड वोल्टेज ज़्यादा होगा रेटिंग वोल्टेज से, तो पावर डेसिपेशन ज़्यादा होगी रेटिंग पावर से, ठीक है। जब आपका अप्लाइड वोल्टेज कम होगा रेटिंग वोल्टेज से, तो पावर डेसिपेशन कम हो जाएगी रेटिंग पावर से। तो हमें जो पहले वाला प्रॉब्लम था वो भी, और जो अब वाला प्रॉब्लम है ये भी, दोनों में जो रेटिंग वोल्टेज और अप्लाइड वोल्टेज है वो सेम दिए गए हैं, तो इसलिए मैंने पावर कंजम्पशन निकाले बगैर ही रेटिंग पावर को यूज़ करके आंसर निकाल दिया। तो ये आप कर सकते हैं, ठीक है, ये कंडीशन आप माइंड में रख लीजिएगा। तो अभी भी दिया हुआ है तो मैं शॉर्टकट से करूँगा इसको, हमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं। नोट कर लिए, चले। सीरीज में जब आप लगाएंगे, दोनों आइडेंटिकल बल्ब हैं, दो बल्ब है ना, दोनों आइडेंटिकल ही हो गए ना आपके पास, सेम उनकी वैल्यूज है रेटिंग में। तो आप सीरीज में कैसे निकाल लेंगे उनकी इक्विवेलेंट पावर, प्रोडक्ट ओवर सम से। तो आप प्रोडक्ट ओवर सम से निकाल लें, 100 इंटू 100 ओवर 100 प्लस 100 क्या आ जाएगा, 100 इंटू 100 ऐसे लिखा रहने दे, नीचे 200 कर दें, ये दो जीरो इससे कट गए और इसके इसके साथ कैंसिल करें, 50 आ गया आपके पास, ठीक है जी। और ये आपने सीरीज में निकाला, पैरेलल में कैसे निकालेंगे, दोनों को ऐड कर लें, 100 प्लस 100 क्या आ गया, 200। तो 50 एंड 100 आपका, 50 एंड 200, ये दोनों को ऐड करके 200 आया ना, डेल्टा ऑप्शन आता है हमारे पास आंसर जी। पावर रेटिंग ऑफ थ्री बल्ब्स ए बी सी आर 25 वाट, और साथ में उसका रेटिंग वोल्टेज क्या है जी, 220, दूसरे का जी 50 और 220, 100 वाट और 220 वाट, जो तीन बल्ब दिए गए हैं। इफ़ दीज बल्ब्स आर कनेक्टेड इन सीरीज टू अ डीसी सप्लाई, विच बल्ब विल ग्रो ब्राइटेस्ट, कौन सबसे ज़्यादा ब्राइट होगा। भाई नोट कर लें, ब्राइटनेस जो होती है वो पावर डिसिपेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और सीरीज में मैंने आपको बताया है कि पावर डिसिपेशन जो है वो पावर रेटिंग की क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो जिसकी रेटिंग पावर सबसे कम है वो सबसे ज़्यादा पावर डिसिपेट करवाएगा, कौन सा, 25 वाला, ठीक है जी, ए इसका नाम है। तो ऑप्शन हमारे पास ये आनी चाहिए, ठीक है जी। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, द पावर रेटिंग ऑफ थ्री बल्ब्स ए बी एंड सी आर 25 वाट 220 वोल्ट, 50 वाट 220 वोल्ट एंड 100 वाट 220 वोल्ट। इफ दीज बल्ब्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू अ डीसी सप्लाई, विच बल्ब विल ग्रो ब्राइटेस्ट। पहले बेटा आपने सेम यही क्वेश्चन किया था सीरीज के लिए, अब करना है पैरेलल के लिए। तो पैरेलल में मैंने आपको क्या नोट करवाया था, पावर डिसिपेशन जो है वो पावर रेटिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो किसकी पावर रेटिंग ज़्यादा है, सी की, तो सी जो है वो ज़्यादा पावर डिसिपेशन करवाएगा, वही ज़्यादा जो है वो ब्राइटेस्ट होगा, ज़्यादा ब्राइट वही होगा, तो सी हमारे पास आंसर आना चाहिए। यस, आगे जी, आगे जी हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है।